जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, पारा शिक्षकों के उच्च अधिकारियों की बैठक अभी उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ निर्णय लिया गया है, इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहला निर्णय, दसता पास पारा शिक्षक को 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, दसता पास जो पारा शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर ग्रेड पे दिया जाएगा और वो होगा आपका 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है वो है आपका 1 से 5 टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। 1 से 5 के जो पारा शिक्षक हैं, टेट पास हैं, उनको जो ग्रेड पे मिलेगा वो कितने की मिलेगी, तो वो आपको यहाँ पर 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। नेक्स्ट डिसीजन क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 से 8 टेट पास पारा शिक्षक जो होंगे उनको जो है 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। 2800 का ग्रेड पे मिलने के बाद कितना वेतन होगा, इसको आप जानने के लिए दोस्तों यदि चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपका वेतन कितना होगा। अगला है आपका पे स्केल जो होगा वो आपका होगा 5200 से 20200 का पे स्केल मिलने वाला है। 5200 से 20200 के पे स्केल पर सहमति बन चुकी है। तो चलिए और आगे जानते हैं कि क्या कुछ आपको मिला है। अगला जो है आपको सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता भी साल में 2 बार बढ़ेगा। महंगाई भत्ता आपको साल में 2 बार दिए जाएंगे, इसकी घोषणा की चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिला है वेतनमान और वेतनमान मिलने वाले कर्मचारी जो हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं और उन्हें मिलेगा यहाँ पर महंगाई भत्ता। अगला है कि आपके लिए यहाँ पर जो लेटेस्ट निकल के आ रहा है वो है कि आपको यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट भी मिलेगा। जी हाँ, तो आपको अब यहाँ पर इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो आपका इंक्रीमेंट मिलने के बाद साल में 1 बार इंक्रीमेंट मिलता है, जिससे आपका यहाँ पर वेतन में इजाफा होते रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रही और आपकी चित परिचित मांग पूरी हुई है, और इसका सभी नियमावली को मैं अगले वीडियो में दूंगा। जय हिंद, जय